Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to a new vlog. तो यार हम सब आज जा रहे हैं उत्तराखंड के लिए और हम अभी वैसे तो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं. अभी हमें डिनर करना है. हमारी बस है 10:40 की है तो उसके लिए अभी डिनर करेंगे और बन रहा है आज आलू के पराठे. चाची बनाएगी आलू के पराठे और हमारा एक और साथी यहाँ पे है फोन पे चिपका हुआ. ये अपना कुछ और काम कर रहा है. एक्सक्यूज मी ब्रो, ऑल सेट ऑलरेडी? तो वो चार अंगूठों के साथ बता रहा है कितना ज्यादा रेडी है वो. अच्छा. और जो ठीक है. तो यार हम सब हो चुके हैं अब तैयार निकलने के लिए. मतलब उसके बाद अभी हम खाएंगे अपना डिनर और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं. यहाँ बन रहा है हमारा डिनर. हमारी चाची बना रही है आलू के पराठे. कितना फूल गया पराठा. आलू की रोटी हो. अच्छा देखो अभी गाइस मैं आपको स्टंट करके दिखाता हूँ. ये आलू का पराठा. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. खराब कर दिया. टेक टू. तो बीसी के बाद एक ढाबा खोल सकता है वो. तो गाइस अभी ये मेरी बहन पैकिंग कर रही है और हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं. यस. अब पानी की बॉटल भर रहे हैं ताकि अगर प्यास लगे तो हम पानी की बॉटल वहाँ फ्री है. पर सिंस हम इंडियन है तो हम अपने घर से जो हमने 10 साल पहले एक लिमका पी थी उसकी बॉटल को यूटिलाइज तो थम्सअप पी थी उसको यूटिलाइज तो हमें करना पड़ेगा. नहीं तो हम इंडियन गाय के तो हम इसमें ही भर के रह जा रहे हैं. वैसे इट्स नॉट एडवाइज कि आप प्लास्टिक की बॉटल यूज करो बट क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इसको कहीं बट क्योंकि हम गरीब हैं तो हम यूज कर रहे हैं. अगर आप भी गरीब हो तो अभी खुल के यूज करो और आप अगर अमीर हो तो आप मत यूज करिएगा. आप मिल्टन की यूज करो. अब हम निकल रहे हैं गाइस. आ जाओ लिफ्ट बंद हो रही है. अब हम निकल रहे हैं घर से और अभी जैसे सामान फिट कर रहे हैं लिफ्ट में. अब निकल रहे हैं गाइस. बाय बाय. बाय चाची. बाय चाचा. थैंक यू. मेरे को भी जगह दे दो. सर मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन. अभी अंदर एंट्री लेते हैं और फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म के लिए. ये हम पहुंच गए हैं मेट्रो. मैं तो फर्स्ट ये नहीं पहुंचा. और ऐसे जिम जाने वाले भाई का क्या करना जब बैग मेरे को उठाना पड़ रहा है. जब बैग मैं उठा रही हूँ तो क्या करूँ मैं. तेरे को किसने कह रही हूँ मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनाता हूँ. मैं नहीं चाहता कि लड़के कहीं लड़कियों से आगे रहे. वो साथ साथ चलने के लड़कियों की भी जितने दो आलू का पराठा खाए दोनों के दोनों पच चुके हैं. इतना बैग उठाया. हमारी मेट्रो भी आने वाली है उसके बाद हम चलते हैं. ब्रो आपको अजीब नहीं लग रहा आप ऐसे बैठ के आप ईयरफोन लगा के बैठे? बहन जी आप कौन है और अपने कैमरा भी पॉइंट कर रही है दिल्ली मेट्रो में. दूसरी मोहतरमा कहाँ गई? मैडम आपको नहीं चलना. मेट्रो वालों ने मुद्रा बंद कर दिया. अच्छा. फिर अभी मेट्रो से एग्जिट लेके हमने कश्मीर गेट से एग्जिट ले लिया. अभी हम जा रहे हैं बस अड्डे पे और अपना देखते हैं डिटेल्स की कहाँ पे हमारी बस खड़ी है. तो टाइम तो हो गया हमारी बस का तो चलते हैं. ये है हमारी बस. गाइस अब हमारी बस रेडी हो है. यस 10:40 हो गए. 10:40 का टाइम था और हमारी बस बिल्कुल ऑन टाइम है. यस गाइस मेरे जैसा बंदा हो जो हमेशा 10 मिनट लेट चलता है उसकी तो बस ही छूट. मैं थी इसलिए टाइम पे निकले हो. नहीं तो इनको तो सजन सवरना ही चला जा रहा. पता नहीं क्या कर रहे इतने घंटे से. हाँ सामान ही नहीं पैक कर रहे. पता नहीं क्या कर रहे हैं. बट हमारी बस टाइम पर निकलने वाली है. भगवान का नाम लेते हैं. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. और हमारी यात्रा बहुत मंगलमय हो. तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं. सर अभी हो रहे हैं 1:37 और अभी बीच में एक जगह स्टॉप लिया है. यहाँ पे कुछ खाना वाना खाने के लिए जिसको भूख लग रही हो. बस जस्ट अभी सोई थी और अभी बस रोक के खिला दो. इस गरीब को कुछ खिला दो. ठंड इतनी भी नहीं यार है. इतनी ठंड भी नहीं है और अंदर तो
बस के अंदर तो सब गर्मी लग रही है, तो इसलिए पंखे वगैरह ऑन कर रखे हैं। बाकी अभी चलते हैं कुछ देखते, अगर कुछ खाना होगा किसी को या कुछ चाय कॉफ़ी पीनी हो तो वो भी पिला देते हैं। ओके यार, हम रुके यहाँ पे इस ढाबे में, पंजाबी न्यू स्टार ढाबा, और हमने लिए वेज और एक प्लेन मैगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मैगी बनने का, और फिर हम खाएंगे मैगी। वैसे ठंड में ऐसे मैगी खाने में का मज़ा आएगा। हाँ, बहुत ठंड है, तब तक भी छूट रही है, दांत की किटकिट कर रहे हैं। ये आ गई है यार हमारी मैगी गर्मा गर्म, प्लेन अच्छी लग रही है। अच्छे और हमने किचन में आके देखा कि यहाँ बन रहे हैं क्या, हमारे छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले भी दिखा दे, छोले भी दिखाओ, दिखाओ गाइस, दिखाओ छोले भटूरे। तो अभी हम बस फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम खाएंगे छोले भटूरे। ये हमारी दीदी और जीजा जी भी, गाड़ी किसने चलाई? अच्छा जिया जी ने चलाई, जिया जी अच्छा किया आपने। तो यार इस वाले ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही था, अब हम हो रहे हैं तैयार जाने के लिए। अभी तो हमने डिसाइड किया नहीं कि हमें जाना कहाँ पे है, तो वो आप नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख लेना, और इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।